कोई तो गुंजाइश होगी ना, तुमने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश क्यों नहीं की? आई हैव ट्राइड माई बेस्ट सर, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि शायद हमारे वक्त अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए हम जो भी डील कर रहे हैं फाइनल होकर कैंसिल हो रही है और हमें करोड़ों का नुकसान। बट हाउ इज इट पॉसिबल? तुम जानते हो बिजनेस कम्युनिटी में मेरे बारे में क्या कहते हैं, आई हैव गॉट द माइडस टच, मैं जिस चीज को हाथ लगाता हूँ वो सोना बन जाती है। बन जाती थी, लेकिन अब वही सोना मिट्टी में बदल रहा है। सर अभी तो हम जर्मनी की डील से ही नहीं संभले थे कि एक और बड़ा नुकसान, अगर यही हाल रहा तो कंपनी बहुत जल्द दिवालिया हो सकती है। कुछ नहीं होगा ऐसा, बिजनेस में ऊंच नीच चलती रहती है। तुम लाशारी इंडस्ट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, आई एम श्योर वी विल बी एबल टू गेट आवर शेयर्स बैक विद इन अ मंथ। मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा, हमारे पास ऑलरेडी बजट नहीं है और हमारी कंपनी के शेयर्स डेली बेसिस पर गिर रहे हैं। तो बैंक से लोन लो, फैक्ट्री गिरवी रखाओ, कोई तो रास्ता होगा। फैक्ट्री गिरवी रखाने का मतलब कि अगर वक्त पर पेमेंट ना हुई तो फैक्ट्री बैंक के नाम हो जाएगी। टू रिस्की सर। नुमान बिजनेस हमेशा रिस्क पर चलता है और ये मेरी को पहली डील नहीं है, इसलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा करूँ। लेकिन सर अंदाज़ ही